पेड कैंपेन लॉन्च हुआ था जिसका बजट था 3 करोड़। पर एजेंसीज ने तो अपनी अलग ही मोनोपोली बना रखी है कि रेट में चाहे वो कोई रद्दी से रद्दी फोन क्यों ना हो, ओप्पो का F27 Pro ही क्यों ना हो, जिन्हें की इन्हें पहले फोन देने हैं और उसके बाद बाकी सब आते हैं जिन्हें की ये फोन देंगे। जैसे लावा के फोन का कैमरा डेड हो रहा है, एक क्रिएटर ने तो ये भी लिख दिया था कि मेरे फोन का कैमरा नहीं चल रहा है, बट आफ्टर फ्यू मिनट उसको एक ट्वीट करना पड़ा। भाई भाई, सबसे पहले तो आपको शाबाशी देना चाहूंगा। शाबाश बेटा, आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक कर दिया है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एज अ टेक क्रिएटर और एज अ इन्फोटेक क्रिएटर कैसे आपके साथ स्कैम किया जा रहा है आपके फेवरेट टेक क्रिएटर्स के द्वारा, आपकी फेवरेट कंपनीज के द्वारा, आपकी फेवरेट एजेंसीज के द्वारा, और कैसे एक कंज्यूमर एजेंसीज और स्मार्टफोन और क्रिएटर्स के बीच में पीसा जा रहा है, ये सब बताऊंगा। बस वीडियो को अंत तक देखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को मैं काफी ज्यादा रिस्क में बना रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का शायद ही मेरे को कोई पेड कैंपेन आए किसी भी स्मार्टफोन ब्रांड के द्वारा, बट मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं वर्क करूंगा आपके हित के लिए, आपको बताऊंगा क्या सच्चाई है किस स्मार्टफोन के बारे में, और आज हम करेंगे सबको एक्सपोज। तो वीडियो को अंत तक देखना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुमित पुरोहित, आप देख रहे हो पुरोहित जी टेक्निकल। तो सबसे पहले ये वीडियो 5 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले हमारा जो पार्ट है वो है पेड कैंपेन्स का। तो आज की डेट में आपने देखा होगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, मतलब पुराने सालों के अंदर जो टेक क्रिएटर्स हमें रिव्यू देते थे वो काफ़ी ऑथेंटिक होते थे और काफ़ी ज़्यादा रियल होते थे। उसके अंदर कॉन्स भी बताए जाते थे स्मार्टफोन के, प्रोज भी बताए जाते थे, चाहे वो लेजेंडरी फोन पोको F1 ही क्यों ना हो, उसके भी कॉन्स निकाले जाते थे। बट आज की डेट में चाहे वो कोई रद्दी से रद्दी फोन क्यों ना हो, ओप्पो का F27 Pro ही क्यों ना हो, उसके सारे प्रोन्स ही बता रहे, कोई कॉन्स नहीं बता रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? कंपनीज और एजेंसीज रन कर रही है पेड कैंपेन्स। तो पेड कैंपेन्स होते क्या हैं? तो कंपनीज और एजेंसीज क्रिएटर्स को पैसा देती हैं उनके फ़ोन की अच्छाई करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं एक टेक क्रिएटर हूँ और मेरे को इस फ़ोन के कॉन्स बताएं और मैंने अगर वो अपनी वीडियो में डाल दिए तो कंपनी वाले मेरे को पैसा देंगे और वो चीज़ें हटवा देंगे, या फिर वो मुझे को फ़ोन भिजवाएंगे और कहेंगे इनके बारे में सारी अच्छी चीज़ें बता दो, गंदी चीज़ें मत बताना, और ये फ़ोन आपको मिल जाएगा और ऊपर से पैसा भी मिल जाएगा। तो इस चीज़ की वजह से आपको आज की रेट के अंदर काफ़ी कम नेगेटिव रिव्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, और ये काम मेजरली सारे ब्रांड्स करवा रहे हैं आजकल एक्सेप्ट आईफोन। इसलिए एप्पल की आपको इतनी ज़्यादा नेगेटिव पीआर देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग, रियलमी, लावा और एनी अदर ब्रांड। और पेड कैंपेन की बात कर रहे हैं तो आपको एक पेड कैंपेन के बारे में बता दूं, तो सैमसंग ने S23 FE का एक पेड कैंपेन लॉन्च हुआ था जिसका बजट था 3.24 करोड़। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आज से एक साल पहले जो S23 FE डेविल से कम नहीं था अपनी प्राइस पॉइंट के अंदर, वो प्राइस ड्रॉप होने के अंदर किसी परी से कम नहीं रहा। मतलब हर क्रिएटर उसकी तारीफ कर रहा है, भले ही उसका प्रोसेसर बेकार हो, प्रोसेसर वीक पॉइंट हो, भले ही उसके अंदर बैटरी ड्रेन इशू आता हो, भले ही वो आज के डेट में इतना रेलेवेंट नहीं है, पर फिर भी उसके आप सारे तारीफ ही कर रहे हैं क्योंकि उसका AI अच्छा है, ऐसे ऐसे। नंबर 2, एजेंसीज। तो आज की डेट में जितने भी मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं वो एजेंसीज हैंडल करती है रेदर देन ब्रांड, जिसके ऐसे एजेंसीज ने अपनी मोनोपोली बना ली है मार्केट के अंदर कि इन्हें किन्हें फोन देने हैं, किन्हें क्या चीजें देनी है और किन्हें नहीं देनी। और इससे ऐसे काफी ऑनेस्ट क्रिएटर्स को फोन नहीं मिलते हैं, जिसके ऐसे आपको ऑनेस्ट रिव्यू भी नहीं मिल पाते हैं। और एजेंसीज ने तो अपनी अलग ही मोनोपोली बना रखी है, इन्होंने अपने अलग से एक्सक्लूसिव क्रिएटर बना रखे हैं जिन्हें की इन्हें पहले फोन देने हैं और उसके बाद बाकी सब आते हैं जिन्हें की ये फोन देंगे। फॉर एग्जांपल, मैं किसी एजेंसी के अंडर साइन हूँ तो मेरे को सबसे पहले फोन मिलेगा और उसके बाद किसी और क्रिएटर को मिलेगा, और इसके अंदर फायदा क्रिएटर का होता है पर क्रिएटर का लॉस भी होता है कि क्रिएटर अपनी क्रिएटिविटी खो देता है, क्रिएटर फ्रीडम खो देता है कौन से बताने के, क्रिएटर एक ऑनेस्ट रिव्यू नहीं दे पाता है, और एजेंसीज अपने टॉप क्रिएटर्स की लिस्ट भेजती है ब्रांड को ताकि ब्रांड को वो अपने पास ला सके। अगर ब्रांड नहीं मानता है तो उन्हीं क्रिएटर्स के द्वारा एजेंसी उन ब्रांड की नेगेटिव पीआर करवा देती है, और इसलिए ब्रांड को भी एजेंसी से एग्रीमेंट करना पड़ता है और एजेंसी के साथ काम करना पड़ता है। और ये एक एजेंसी नहीं कर रही, मार्केट की जितनी भी टॉप एजेंसीज है वो ये काम कर रही हैं। अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फॉरेन टेक क्रिएटर्स एंड इंडियन टेक क्रिएटर्स। तो फॉरेन के जो क्रिएटर्स हैं उनके पीछे ब्रांड भागती है, और इंडिया के जो क्रिएटर्स हैं वो ब्रांड के पीछे भागते हैं। फर्क काफी बड़ा है, और इसके ऐसे यहाँ पे ब्रांड्स अपनी मोनोपोली सेट कर लेते हैं और क्रिएटर्स से खाली झूठ उगलवाते हैं, सच नहीं बोल पाते हैं, वहीं पे फॉरेन के क्रिएटर्स एक ऑनेस्ट रिव्यू दे पाते हैं, और इंडियन क्रिएटर ब्रांड जो चाहता है वही बोलते हैं, ना कि जो ऑनेस्ट होता है वो बोल पाते हैं। पर काफी कम क्रिएटर्स हैं जो कि इस रूल को फॉलो करते हैं और ऑनेस्टी से जवाब देते हैं,
और जो भी ऐसा करता है उसे आगे से कोई ब्रांड नहीं मिलता है और वो खुद अपनी तरफ से फोन अरेंज करता है, जिसके वजह से आज की डेट में हमें काफी कम ऑनेस्ट रिव्यूज देखने को मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू 2017 एंड 2018, जब हमें सारे फोन के ऑनेस्ट रिव्यूज ही देखने को मिलते थे, क्योंकि उस टाइम पे इतनी एजेंसी सेटल नहीं हो रखी थी, उस टाइम पे इतने ब्रांड्स अच्छे से मार्केटिंग नहीं करते थे, और आज के टाइम पे तो उल्टा ही हो चुका है। चाहे वो ओप्पो का F27 Pro हो, उसके अंदर बेकार प्रोसेसर हो, बेकार बिल्ड हो, पर उसके बिल्ड के लिए ही उसे प्रमोट किया जा रहा है, और अगर वो फोन एक बार गिरते ही टूट गया तो उसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना ही ब्रांड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ना ही क्रिएटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, इसलिए आपको बच के रहना है। और आखिरकार पिस्ता कौन है? हम कंज्यूमर पिसते हैं क्रिएटर और ब्रांड्स और एजेंसीज के बीच में। नंबर 4 स्कैम जो कि एजेंसीज के द्वारा किया जा रहा है, क्रिएटर्स के द्वारा किया जा रहा है आप लोगों के साथ। तो होता क्या है कि अगर कोई स्मार्टफोन ब्रांड अपना स्मार्टफोन प्रमोट करवाता है तो अपने कोन्स को ज्यादातर छुपाता है, और इसी बीच में कंज्यूमर को कौनस नहीं पता चल पाते और वो ना चाहते हुए भी उस फोन को ले लेता है जिसकी उसे नीड नहीं होती है, जिसके उसे कौनस नहीं पता होते हैं। आखिर में एक कंज्यूमर पिस जाता है, और इसी चीज को पहले तो बहुत कम किया जाता था, पर आज के टाइम पे इस चीज को बहुत बड़े लेवल पे किया जा रहा है। चाहे वो कोई सा रद्दी से रद्दी फोन हो, उसे ऐसे प्रमोट किया जाता है कि वो बहुत बड़ा फ्लैगशिप फोन है। और इस चीज में मैं एप्पल की तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि एप्पल अपने इतने पेड कैंपेन्स रन नहीं करता है, इसलिए हमें उनकी नेगेटिव मार्केटिंग भी देखने को मिलती है और हमें काफी पॉजिटिव फीडबैक्स भी देखने को मिलते हैं। और क्रिएटर एकदम एप्पल की वीडियो फ्री होकर बना सकता है, उसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो एप्पल डिसाइड नहीं करता, क्रिएटर खुद डिसाइड करता है, रेदर देन एनी अदर ब्रांड जो कि खुद डिसाइड करते हैं कि क्रिएटर क्या बोलेगा, उसके स्क्रिप्ट में क्या होना चाहिए। और आज की डेट में तो ऐसा हो चुका है कि पहले हमारे पास फोन आता है, फिर हमें ब्रांड को स्क्रिप्ट लिख के देनी पड़ती है, और बाद में अगर हमने कुछ गलत लिख दिया है तो उसे वो चीज हटवा देंगे और बाद में वीडियो बनवाएंगे, और वीडियो बनवाने के बाद भी अगर उसमें कुछ गलत दिखता है उन्हें तो उसको भी वो हटा देंगे, और फाइनल में जो आपको प्रोडक्ट मिलता है उसके अंदर आपको खाली अच्छाई देखने को मिलती है फोन की। अब हम बात करते हैं लावा की, जो कि एक इंडियन फोन ब्रांड है। इन्होंने वैसे कोई स्कैम नहीं किया है, बट इनका जो रिसेंटली अग्नि 3 फोन लॉन्च हुआ है उसके इतने ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक्स देखने को मिल रहे हैं कोई हद ही नहीं है। और ये खाली लावा के अग्नि 3 के साथ नहीं है, सारे लावा के फोन के साथ यही सेम केस है। ऐसा नहीं है पॉजिटिव फीडबैक मिल रहे हैं, बट ये चीज है कि नेगेटिव फीडबैक को छुपाया जा रहा है और पॉजिटिव फीडबैक्स को आपको दिखाया जा रहा है। जैसे लावा के फोन का कैमरा डेड हो रहा है, पर इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। एक क्रिएटर ने तो ये भी लिख दिया था कि मेरे फोन का कैमरा नहीं चल रहा है, बट आफ्टर फ्यू मिनट उसको एक ट्वीट करना पड़ा कि उसके फोन का कैमरा एकदम सही चल रहा है और सब चीजें सेटल हो चुकी हैं। और इस वीडियो में जितनी भी बातें बोली गई थी वो मेरे मन से बोली गई थी, इसमें मैंने कोई स्क्रिप्ट प्रिपेयर नहीं करी है, जो भी बात है वो मैंने मन से बोली है। और अब आप अपने फेक टैग क्रिएटर से बच के रहना, और जो भी फेक टैग क्रिएटर है उसकी वीडियोस को देखना अवॉइड करना, क्योंकि हमें ऑनेस्टी के साथ चलना है। बाकी ये वीडियो अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दो, और ऐसी वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो।